नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 24 अगस्त और साथियों इस समय की इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आपको 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस समय की महत्वपूर्ण अपडेट्स। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा जोधपुर ग्रामीण कार्यालय आदेश राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन 2017 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक और संशोधित अधिसूचना 9/12/2017 यहां पर 6/10/23 के तहत कॉलम संख्या 8 में अंकित वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने यहां पर एमएससीपी से संबंधित यह अपडेट है। एमएससीपी के जो है स्वीकृत हुई है, एप्लीकेशन नंबर, एम्प्लॉय का नाम, पोस्ट, पोस्टिंग प्लेस, डेट ऑफ बर्थ उनकी और फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर दी हुई है। 9 वर्षीय, 18 वर्षीय और 27 वर्षीय जो से संबंधित आप देख सकते हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर इनके लिए संबंधित संस्था प्रदान हेतु कुछ आवश्यक दिशा निर्देश पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है इसमें। और यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा अजमेर से संबंधित अपडेट है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विषय में अध्यापक सामान्य और विषय शिक्षक लेवल फर्स्ट और लेवल टू का वेतन नियमन बाबत विषयांतर लेकर के वर्तमान में विगत 5 वर्षों में नियुक्त कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच प्रकृति होने के फलस्वरूप अध्यापक सामान्य और विषय शिक्षक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के स्थायीकरण में विलंब हो रहा है। इस कारण से पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अथवा वेतन आयोग वितरण अधिकारियों द्वारा इनका वेतन नियमन नहीं किया जा रहा है। तो इसमें निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्राधीन समस्त पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अथवा शहरी स्कूल प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अथवा वेतन आयोग वितरण अधिकारियों को पावन करें कि जिन अध्यापक या सामान्य तो विशेष शिक्षक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के विरुद्ध किसी प्रकार के अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई विचाराधीन नहीं है और कार्य व्यवहार सेवाएं संतोषजनक है, 2 वर्ष की परीक्षा काल अवधि पूर्ण होने के बाद नियमानुसार वेतन नियमन किया जाए, तो उसको लेकर के अपडेट आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा अजमेर। इसके बाद में अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर समस्त संभागीय निदेशक स्कूल शिक्षा और समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा विषय में यहां पर दिया हुआ है जूम मीटिंग ऐप का राजकीय कार्य हेतु उपयोग नहीं किए जाने के संबंध में। यहाँ पर विषयांतर में संदर्भ पत्र की प्रति संलग्न का निर्देश अनुसार लेख है कि प्राय देखा है कि राजकीय कार्यालयों में मीटिंग हेतु जूम ऐप का उपयोग किया जाता है। इस ऐप के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के साइबर केंद्र द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनके अनुसार साइबर सुरक्षा के मद्देनजर जूम मीटिंग ऐप का जो है राजकीय कार्य हेतु उपयोग असुरक्षित होना अवगत कराया गया है, तो उसको लेकर के ये अपडेट है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से। और जयपुर सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में विशेष शिक्षक भर्ती 24 से जुड़ा प्रकरण, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र जारोटिया व अन्य के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने यहाँ पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। और अधिवक्ता रविंद्र गजराज, शिवात्मा कुमार टाक और नेहा गोधरा ने याचिकाकर्ताओं की पैरवी की और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भर्ती के लिए 11 जुलाई को जारी किया था यह विज्ञापन। और स्कूल में पूर्व से चयनित होकर पदस्थापित याचिकाओं को नियम विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया था, आप देख सकते हैं। इसके बाद में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सर्टिफिकेट मिला है। पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने जो है सर्टिफिकेट दिया। और इस अभियान में सरकारी और निजी संस्थानों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिसे प्रदेश में वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बना है, तो आप देख सकते हैं इनको सर्टिफिकेट मिला है। और यहाँ पर फर्जी डिग्री के मामले यूनिवर्सिटियों से ली जा रही है फाइनल कंफर्मेशन, उसके बाद अपात्र डिबार और एफआईआर का एक्शन होगा जारी, आप देख सकते हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने अपडेट दिया है फर्जी डिग्रियों के मामले में। और चयन परीक्षा जो कि कल है, पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षकों को भी राहत, परीक्षा में ये होंगे शामिल। 87,000 शिक्षकों में से 20% को ही मिलेगी इंग्लिश स्कूल में पोस्टिंग, 17,500 पद रिक्त, ये आप देख सकते हैं। और इसमें पहले से जो लगे हुए टीचर्स हैं उनको भी मौका दिया गया है और इस संबंधित जो आदेश है
वो जारी हो चुका है और इसकी अपडेट भी आपको हमारे पिछले वीडियो में दी गई थी। तो साथियों, ये थी इस वीडियो में इस समय की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।